हर ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल की कंप्लीट सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के लिए लगवाएं शाहान विशन सॉल्यूशंस के सीसीटीवी कैमरास, वो भी कम दाम में। आज ही कॉन्टैक्ट करें 7857934410। जीरादेई थाने के समक्ष माले ने किया धरना प्रदर्शन। जीरादेई पुलिस की कार्यशैली से नाराज माले कार्यकर्ताओं ने थाना के सामने धरना प्रदर्शन किया। विधायक अमरजीत कुशवाहा के नेतृत्व में सोमवार को कार्यकर्ताओं ने जामापुर बाजार से आक्रोश मार्च निकाला। आक्रोश मार्च जामापुर बाजार होते हुए जीरादेई थाना पहुंचा, जहां थाने के सामने विधायक के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। विधायक ने कहा कि जीरादेई पुलिस पासपोर्ट इंक्वायरी में अवैध वसूली करती है। वाहन जांच के नाम पर लोगों को परेशान किया जाता है। वाहन चालकों से अवैध पैसे की वसूली की जाती है। विधायक ने कहा कि जीरादेई थाना सामंती ताकतों के हाथों गाइड हो रहा है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। पुलिस अपराधियों से सांठगांठ कर चुकी है। थाना क्षेत्र के दबे कुचले तथा समाज से वंचित लोगों को पुलिस द्वारा परेशान किया जाता है। एपवा नेत्री सह जिला पार्षद सोहिला गुप्ता ने कहा कि अपराधियों द्वारा खुलेआम आम नागरिकों को धमकाया जाता है और जीरादेई पुलिस कुछ नहीं कर पाती। उन्होंने एसपी से पुलिस की कार्यशैली की जांच की मांग करते हुए कहा कि मामले की जांच कर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही की जाए। मौके पर इनॉस नेता सुजीत कुशवाहा, विशाल यादव, राधेश्याम कुशवाहा, सुरेंद्र प्रसाद, रामाश्रय निषाद थे। विधायक अमरजीत कुशवाहा ने कहा कि जीरादेई पुलिस की कार्यशैली अच्छी नहीं है। पुलिस से लोग काफी परेशान हैं। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए थानाध्यक्ष को आवेदन दिया गया। न्यूज इंडिया टेक से परवेज अख्तर की रिपोर्ट। पासपोर्ट के इंक्वायरी कराने आ रहे बच्चों से भी वसूली की जाती है, तो ये अन्याय है। एक दिन इसी ठेपहा गांव में, जहां थाना मौजूद है, बगल के टोले में, बारी टोला में दो लोगों के बीच विवाद हुआ था। उस विवाद के क्रम में यहां के छोटा बाबू गए हुए थे वहां। उस बीच में हमारा पीए वहां उस हस्तक्षेप करने की कोशिश किया, तो बोलते हैं कि तुमको मार करके ठीक कर देंगे, ज्यादा बोलने की कोशिश करोगे तो क्या यह सरकार, यह प्रशासन, यह पुलिस चाहती है कि जनता अपनी बात नहीं कहे? तो अगर नहीं कहेगी तो हम आज एक प्रदर्शन के माध्यम से थाना पर यह चेतावनी देने के लिए आए हुए हैं। यहाँ जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ, बड़ी विश्वास के साथ हमारी पार्टी को, महागठबंधन को और हमको जिताने का काम किया है। जनता चाहती है कि यहाँ शांति कायम हो। जनता चाहती है कि हमारे को तंग तबाह न किया जाए। जनता चाहती है कि हमारा काम हो। हम आज प्रशासन से यही मांग करने आए हैं कि क्या जनता और प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित होगा कि नहीं, ठीक से जनता का काम होगा कि नहीं। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा भविष्य में, तो आज हम चेतावनी देंगे, आगे इस लड़ाई को, इस आंदोलन को और ऊंचाई तक ले जाएंगे। जरूरत पड़ी तो विधानसभा के भीतर भी इस मामले को उठाते हुए हम लोग इस लड़ाई को, इस आंदोलन को पुलिस राज के जरिए, पुलिस के जरिए जो जनता को गुंडागर्दी किया जाता है, गरीबों को तंग तबाह किया जाता है, इसको पूरे बिहार का आंदोलन बनाने का काम करें। किस आधार पे आप अजय सिंह को चार गायों की चोरी का आरोप लगा रहे हैं? देखिए, वो FIR थाने में दर्ज हो चुका है जी। जब FIR जिसने किया है वो साफ साफ कह रहा है कि हमारे गाय को पकड़ करके ले गए, हम घर में जा करके उनसे विनती किए और कहा कि आप हमारे गाय को लौटा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि जाओ लौटा दिया जाएगा। और उसके बाद खबर मिली कि गाय को गाड़ी पर लाद करके उन्होंने भिजवा दिया, तो गाय तो उनकी नहीं लौटी जी। और उनके घर में वो गाय बांधी गई थी। हाँ। तो अगर गाय नहीं लौट के आई और बांधी गई थी तो गाय कहाँ गई, इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब अजय सिंह देंगे कि थाना प्रभारी देंगे? हम तो, उन्होंने तो आकर थाना में आवेदन दिया, FIR किया, और इसका जवाब तो हम मांग रहे हैं कि इसका जवाब दीजिए। हमको कोई FIR करने का और किसी को तंग तबाह करने का मंशा थोड़ी ही है। हमारा है कि जनता का काम होना चाहिए। अगर ये हालात नहीं सुधरता है तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? पहले ही कह दिया कि हालात को हम चाहते हैं कि बातचीत के जरिए थाना, कल ही हम एक मीटिंग कर रहे थे तो लोगों ने सवाल उठाया था कि आप यहाँ के प्रतिनिधि हैं। निश्चित तौर पे हम प्रतिनिधि हैं, तो हम थाना के भी विरोधी नहीं हैं, हम पुलिस के भी विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बीच और उनके बीच एक वार्ता हो और सही दिशा में काम किया जाए, जनता का भलाई का काम किया जाए। वो भी यहाँ जनता के सेवा के लिए हैं, जनता के काम के लिए रखे गए हैं और जनता ने हमें भी काम के लिए चुनी है। तो बात करके सही दिशा में काम हो, गरीबों का काम हो और गरीबों के साथ, आम आदमी के साथ तंग तवाह न किया जाए,
यही तो हम चाहते हैं और इसी के लिए तो आज हम, चूंकि जनता का सवाल था तो हमने कहा कि आप भी चलिए, सब लोग के साथ हम लोग चलते हैं, वहाँ बात होगी, आप भी सुनेंगे, तो लोग आज आए हुए हैं। चलिए, धन्यवाद। अमरजीत कुशवाहा।